प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो जैव ईंधन ने बतों बतों काम में लेवासु कास्तकारारी बढ़ेली आए। पीएम मोदी विश्व जैव ईंधन दिवस माते नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में कास्तकार वैज्ञानिका छात्रा सांसद और विधायिका ने कर संबोधित। केंद्रीय मंत्रिमंडल मुस्लिम महिलाओं ने बराबरी रोहक देवा वाला ट्रिपल तलाक बिल में कुछ एक व्यवहारिक संशोधन ने दीनी मंजूरी। मामला में मजिस्ट्रेट ने जमानत रा दीना अधिकार। राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय 2018 विधेयक ने संसद में मिली मंजूरी। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो मणिपुर में बन रही यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स साइंस री बैचलर्स और मास्टर्स री मिलेगी डिग्री। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चित्तौड़गढ़ जिला में जनसभा ने कर संबोधित। कहो गहलोत पायलट और आर सीपी जोशी ने नकारता थका राहुल गांधी खुद ने कांग्रेस रो चुनावी चेहरो कर घोषित। अर कुलाधिपति कल्याण सिंह राजस्थान विश्वविद्यालय में उप कुल सचिवारी भर्ती प्रक्रिया ने तुरंत प्रभाव से करो आस्थगित। विश्वविद्यालय रा कुलपति आरके कोठारी ने इन बारा में जारी कर निर्देश। नमस्कार, दोपहर 1 बजे की राजस्थानी खबर में आप घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास, सौरभ खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि जैव ईंधन ने बतों बत्तों काम में लेवासू कास्तकारारी आय बढ़ेली। प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व जैव ईंधन दिवस रे मौके नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में राखोड़ा कार्यक्रम में कास्तकार वैज्ञानिका छात्रा अहलकार सांसद और विधायिका ने संबोधित कर्या। पीएम मोदी कहो कि जैव ईंधन 21वीं सदी रा भारत ने नई ऊर्जा देवा वालो है। जैव ईंधन वायु प्रदूषण ने कम करवा में भी मददगार है। प्रकृति पर्यावरण और आधुनिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यहां सभी को विश्व बायोफ्यूल दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, 125 करोड़ देशवासियों के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है। गांव की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना, गांव के किसान की आय बढ़ाना, पेट्रोल डीजल गैस का विकल्प तैयार करना और पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। बायोफ्यूल इन लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। बायोफ्यूल पर्यावरण और हमारी आर्थिक उन्नति के बीच तालमेल बिठाने में बड़ा सहायक बनने की शक्ति रखता है। साथियों, बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को और न सिर्फ भारत को पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। और अभी जो फिल्म दिखाई गई उसमें एक पुरानी कहावत को भी याद किया गया, आम के आम और गुठली के दाम, तो पुरानी कहावत है, उसका एक प्रकार से आधुनिक रूप है। बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, देश का धन भी बचाएगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं ने बराबरी रोहक देवा वाला ट्रिपल तलाक बिल में कुछ एक व्यवहारिक संशोधन रे मंजूरी दे दी। अब आरताई वो गैर जमानती अपराध हो पर अब मजिस्ट्रेट ने वो अधिकार दे दीनो है कि वहां आरोपी ने जमानत दे सके है। इनके अलावा पत्नी और वणारा करीबी रिश्तेदारा ने FIR कराबारो हक वेलो काले नई दिल्ली में। पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो ये तभी कॉग्निजेबल होगा जब FIR पत्नी फाइल करेगी
या उसके कोई ब्लड रिलेशन या रिलेशन बाय मैरिज फाइट। दूसरा एक चिंता आई थी कि पत्नी और पति के बीच समझौते का भी अवसर मिलना चाहिए। तो आज जो इसमें संशोधन अलाउ किया है कि अब हमने इसको कंपाउंडेबल कर दिया है, पति और पत्नी की सुनवाई करके उचित टर्म पर मैजिस्ट्रेट कंपाउंडिंग यानी समझौता कर सकता है। राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय 2018 विधेयक ने संसदीय मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में विपक्ष रा हंगामा रे बीच इन बिल ने मंजूरी दे दी गई। बिल माथे चर्चा रो जवाब देता तका केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो कि इन बिल रे तहत जकी यूनिवर्सिटी मणिपुर माए बन रही है उन माए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स साइंस री बैचलर और मास्टर री डिग्री मिलेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहो कि अशोक गहलोत सचिन पायलट और सीपी जोशी रा नामा ने नकारता थका कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद ने कांग्रेस रो चुनावी चेहरो घोषित कर दिनो। इनसु आ बात साफ है कि राजस्थान कांग्रेस माए कोई काबिल चेहरो नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी राजस्थान गौरव यात्रा रे दौरान छोटी सादड़ी माए राखियोड़ी जनसभा ने संबोधित करो। इन अलावा वना चित्तौड़गढ़ जिला रा रिठोला माए खेतर माए भी लोगों ने संबोधित करता थका केंद्र और राज्य सरकारी योजनाओं से लोगों ने अवगत करायो। मिट्टी के अंदर इतिहास लिखा हुआ है। इस यात्रा के माध्यम से लगातार रस्ते भर में भीड़ आप लोगों ने आके जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद दिया, मुझे तो उससे विश्वास हुआ कि दौड़ेंगे भागेंगे काम करेंगे आपके लिए। बस आपके सेवा का मौका आपने जो दिया है उसको भूलेंगे नहीं, उसको अपना धर्म मान के आपके हक को जमीन पे लाने का काम करने में हम पीछे नहीं हटेंगे और बस आपका प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इन 5 सालों में जितना हो सकता था उतना पूरा करने की कोशिश की और आगे आने वाले समय के अंदर भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम राजस्थान को एक आदरणीय प्रदेश बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बाहर से आए, इस भूमि को छुए और कहे कि ये राजस्थान है जिसका इतिहास बहुत ही बहुत सुंदर था। नए राजस्थान के अंदर भी हम अपना अलग से इतिहास बनाने का काम करेंगे कि जो भी चुनाव जीतेगा चाहे सरपंच बने चाहे प्रधान बने चाहे पंचायत समिति सदस्य चाहे जिला परिषद चाहे MLA चाहे मिनिस्टर चाहे मुख्यमंत्री चाहे MP चाहे प्रधानमंत्री, ये सब आपकी वोट की पेटी से पैदा होने वाले दोस्त हैं और पैदा करने वाली है जनता जनार्दन। मैं आज इस जनता जनार्दन को कहना चाहता हूँ, अगर देश में राज अच्छा चलेगा तो निर्णय किसको करना पड़ेगा? आपको। अगर देश में राज का बंठा ढाल होना है तो निर्णय कौन करेगा? आप। राज्यपाल और कुलाधिपति कल्याण सिंह राजस्थान विश्वविद्यालय में उप कुल सचिवारी भर्ती प्रक्रिया ने तुरंत प्रभाव से आस्थगित कराया जा बारा निर्देश देना। राज्यपाल उप कुल सचिवारी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता वाला संबंध में आयारी शिकायत ने गंभीरता से लीनो है। वना राजस्थान विश्वविद्यालय रा कुलपति RK कोठारी ने इन एक पानड़ी वेजर कहो कि इन प्रकरण में जेर नियुक्ति आदेश जारी कराया भी गया है तो उन कुल सचिव ने कार्य ग्रहण नहीं कराया जावे। भारतीय सेना माए लांस नायक रिया मूलते नेपाल निवासी सुरेश कुमार कार्की शारीरिक असक्षमता के बावजूद बास्केटबॉल और बैडमिंटन जेड़ा खेला माए महारत हासिल करी है। वना लारला बरसा माए कई नेशनल और इंटरनेशनल खेल पदक जीत्या है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपना में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भारतीय सेना में लांस नायक रहे मूलतः नेपाल निवासी सुरेश कुमार कार्की ने शारीरिक अक्षमता के बावजूद अपने जज्बे से इस कहावत को चरितार्थ किया है। सुरेश कुमार का कमर का निचला हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त है, बावजूद इसके उन्होंने एक नहीं बल्कि बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसे दो खेल चुने और इनमें महारत हासिल की। सुरेश कुमार पिछले 10 सालों में कई नेशनल और इंटरनेशनल खेल पदक जीत चुके हैं और आगामी दिनों में होने जा रहे एशियन और पैरालंपिक खेलों की तैयारी में जुटे हैं। उनका सपना है कि वे ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीते।
मेरी जो एक्सीडेंट हुई 7 जुलाई 2004 को, और उस टाइम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी कठिन हालत में था, बहुत दयनीय स्थिति में था। मैं बैठ पे कन्वर्ट नहीं कर सकता था, मेरी बॉवेल ब्लाडर कंट्रोल नहीं थी, और मेरी जो पीछे रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से मतलब डिसलोकेट हो गई थी, और काफ़ी मुश्किल हालत में था। उसके बाद जैसे मैंने प्रैक्टिस करते करते मैंने स्टेट बहुत सारे स्टेट खेला, बहुत सारे नेशनल खेला, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता, बहुत सारे मतलब एक्चुअली में बहुत सारे गेम में मैंने पहले तो ये किया, पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल खेलना मेरा मेन ये था, इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरा मेन मकसद था। तो उसके बाद फिर मैंने एथलेटिक्स में भी इंटरनेशनल ट्रायल सिलेक्शन दिया, वहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा ये होता था। फिर बास्केटबॉल तो मैं कंटिन्यूस करता था, हम लोग बास्केटबॉल लगातार 4 बार के नेशनल चैंपियन है जो हमारी महाराष्ट्र टीम है, चारों बार मैं पार्टी मतलब मेरी नेशनल चैंपियन में पार्टिसिपेट मतलब ये हूँ मतलब नेशनल चैंपियन का मैं हिस्सादार हूँ। बात 7 जुलाई 2004 की है। लांस नायक सुरेश कारगिल एक घायल सैनिक को गुवाहाटी के बेस अस्पताल पहुंचा रहे थे, तभी उनकी एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए। आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें आजीवन व्हील चेयर पर मोहताज बने रहने की बात कह दी। सुरेश कुमार ने हार नहीं मानी और खुद अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। सुरेश कार्की अब लांस नायक से एथलीट बन चुके हैं और देश के लिए खेलते हुए और भी मेडल जीतने की इच्छा रखते हैं। सीकर जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 88 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करायो जा चुकी है। इनसू अब गांव वाला ने आवागमन में घनी सुविधा भेरी है। जिला में 36.65 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जाल बिछाया गयो है, बटे 112 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत रो काम भी करो जा रही है। जिले के अंतर्गत जनजाति और मस्तु क्षेत्र की गाँव में बसी 250 से 300 आबादी की जनता को राहत पहुंचाने के लिए 41 कामों की 90 किलोमीटर लंबाई एवं 36.55 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें सभी कर्मचारी पूर्ण कर आम जन को राहत पहुंचाई है। इन सड़कों के बनने से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आम जन, कृषक, विद्यार्थी, मरीज को मंडी, स्वास्थ्य केंद्र, जिला मुख्यालय व महाविद्यालयों में अच्छी सुविधा प्राप्त करने हेतु राहत मिली है। इससे जनता द्वारा विभाग का प्रशंसा की गई है। और जी पहले तो टेम्पो वाला अनका आदमी सभी दुखी था, अब सही हुई काम को देख रोड से फायदा हो जाए, टेम्पो गाड़ी लड्डो क्यों भी को निकल सको ठीक बिल्कुल खत्म हो रही थी रोड थोड़ी घनी सुधार हुई है। अजी खूब बढ़िया फायदे मिले है, ग्राम सेवक योजना के मान सड़क होगी, सेठ साफ रहता नहीं मिल गई, दुविधा से पहले टूटी सड़क थी बढ़िया होगी, एकदम बढ़िया है जी, आदमी मरीज परिज निका आराम से जावा लगा आवा लगा। और मैं मेरे 5-7 किलोमीटर पड़ जाते स्कूल में आते वक्त, और अब मैं अच्छी ये रोड बनने के कारण मैं अच्छी तरह स्कूल में पहुंच जाती हूँ टाइम पे, और पहले बरसात के टाइम पे भी गड्ढे वगैरह पानी की वजह से मेरे कई प्रॉब्लम होती थी, पर आजकल मैं साइकिल से कम 20 मिनट में स्कूल में सुचारू रूप से पहुंच जाती हूँ और अच्छी पढ़ाई कर लेती हूँ। और आखिर में खास खास खबर एक फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे जैव ईंधन ने बत्तों बत्तों काम में लेवासू काश्तकारों की बढ़ेली आय। पीएम मोदी विश्व जैव ईंधन दिवस माथे नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में काश्तकार वैज्ञानिका छात्रा सांसद और विधायिका ने कर संबोधित। केंद्रीय मंत्रिमंडल मुस्लिम महिलाओं ने बराबरी रो हक देवा वाला ट्रिपल तलाक बिल में कुछ एक व्यवहारिक संशोधन ने दीनी मंजूरी, मामला में मजिस्ट्रेट ने जमानत रा दीना अधिकार। राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय 2018 विधेयक ने संसद में मिली मंजूरी, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो मणिपुर में बन रही यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स साइंस की बैचलर्स और मास्टर्स की मिलेगी डिग्री। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चित्तौड़गढ़ जिला में जनसभा में कर संबोधित, कहो गहलोत पायलट और सीपी जोशी ने नकारता तका राहुल गांधी खुद ने कांग्रेस रो चुनावी चेहरो कर घोषित।
और कुलाधिपति कल्याण सिंह राजस्थान विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव वाली भर्ती प्रक्रिया ने तुरंत प्रभाव शू करो स्थगित विश्वविद्यालय कुलपति आर के कोठारी ने इण बारा में जारी कर निर्देश।